ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन हमने पिक किया इसमें से 10x49 बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमी, ठीक है, दोनों को हमने मद्देनजर रखना है। अच्छा अब हम एनालाइज करेंगे, एनालाइज अब यहाँ पे कौन सा वाला मेथड हम यूज करेंगे, हम यहाँ पे पहला वाला मेथड मेथड वन यूज करेंगे जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि कैसे एनालाइज करना है, ठीक है इसको। अब देखते हैं यहाँ पे वो सारे स्टेप्स मैंने फॉलो किए हुए हैं, तो वो देखते हैं कि क्या हमारे पास के एल एक्स की वैल्यू थी, के एल वाई की भी वैल्यू थी, ठीक है, के एल एक्स की हमारे पास वैल्यू थी, के एल की सिर्फ, ठीक है, तो वो 13.5 फीट थी। हमने यहाँ पे आर एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आर एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो यहाँ पे मैंने आपके पास आपके साथ जो टेबल शेयर किया ना, हमने कौन सा सेक्शन W10x49, ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे आर एक्स आर वाई की वैल्यू क्या है। यहाँ पे हमारे पास नीचे टेबल में गिवन भी है, ठीक है, जो ए जी की वैल्यू है, देखें यहाँ पे ऊपर हमारे पास इस 49 के सेक्शन के लिए, यहाँ पे नीचे अभी इस इन्हीं दो कॉलम्स को देखते जाएं, इसके लिए AG की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14.4, ठीक है, RY की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.54, RX और RY की वैल्यू कितनी है 1.71, ठीक है, तो ये जरा अभी ये जरा अपने पास नोट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने नोट किया है इसको, इट इज 14.4 AG, RY 2.54, RX और RY की वैल्यू जो हमारे पास थी वो 1.71 है। तो इससे हम RX की वैल्यू इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि इस RY को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास RX की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब KL और RX इन X डायरेक्शन हम मालूम करेंगे, KL और R इन Y डायरेक्शन मालूम करेंगे, फिर देखेंगे इसमें से जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो गवर्न करेगी, ठीक है। सो दोनों डायरेक्शन में हमने वैल्यू मालूम की 13.65 वाज केएल की वैल्यू, केएल की वैल्यू हमने शुरू में मालूम की थी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, डिवाइड बाय 4.35। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये फीट में था, ये इंचेस में है, तो आपने कन्वर्जन करनी है, ठीक है। तो इसके साथ के एल और आर की वैल्यू इन एक्स डायरेक्शन हमारे पास कितनी है 37.655। अब के एल और आर की वैल्यू वाई डायरेक्शन में कितनी है, वो के एल की वैल्यू हमारे पास कितनी थी इन वाई डायरेक्शन, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 14 फीट। तो 14 फीट को मैंने कन्वर्ट किया पहले इंचेस में, फिर आर वाई पे डिवाइड किया। दिस पर्टिकुलर आर जो है ना, ये आपने जो एक्सिस ऑफ गॉस कह के उसके मुताबिक लेना है, तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आई 66.142, दिस विल गवर्न एक्चुअली, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या किया, जो सेकंड स्टेप था हमारे, हमने एफ ई मालूम करना था, ठीक है। सो हमारे पास स्केल और आर की वैल्यू 66.142 आई, ई की वैल्यू 29,000 कैसा ही है स्टील के लिए, ये बस ये आपने याद रख लेना है, ठीक है, ये हमेशा यही रहेगी आपके स्टील के लिए 29,000 कैसा है, ठीक है। तो हमने एफ ई निकाला, एफ ई हमारे पास आया 65.43, ठीक है। अब हमने जो कर्व डिस्कस की थी कि उस पर एक हमने देखना है कि इलास्टिक बकलिंग हो रही है या इन इलास्टिक बकलिंग हो रही है, उसके बेसिस पे हमने फिर एफ सी आर कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए जो लिमिटिंग वैल्यू थी, ये वाली पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू के एल और आर की, वो ये वाली थी इस फॉर्मूले से 4.71 अंडर रूट एफ ई ओवर एफ वाई, उससे 113.4 वैल्यू आती है। मतलब अगर 113.4 से हमारे पास वैल्यू कम आए तो इट विल बी इन इलास्टिक बकलिंग, ठीक है, उसके लिए अलग फार्मूला है और इलास्टिक बकलिंग के लिए अलग फार्मूला है। सिंस दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज लेस देन
दिस वैल्यू, देयर फॉर वी विल दी एफ सी आर फॉर्मूला जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, हम ये वाला यूज करेंगे. एफ सी आर इज इक्वल टू 0.658 एफ वाई ओवर एफ ई. एफ वाई की वैल्यू हमारे पास 50 गिवन थी, एफ ई की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की और 50 इंटू एफ वाई, सो वी गेट एफ सी आर वैल्यू ऑफ एफ सी आर यहाँ पे के साथ के एस आई लिख लें. ठीक है जी, आईफोन. जी kindly unmute yourself. सवाल पूछे पहले अनम्यूट करें खुद को. सर इसका टेबल में मसला है मेरे ख्याल से, टेबल की वैल्यू के बारे में कुछ लिखा हुआ है इसने. तो ये अनम्यूट क्यों नहीं कर रहा खुद को पता नहीं सर, इसका नाम भी मेंशन नहीं हो रहा कि ये है कौन, लेकिन ये इस सर टेबल में कोई कुछ इस तरह कुछ लिखा हुआ है. ये ज़ुएब, ज़ुएब है मेरे ख्याल में. ज़ुएब द ज़ुएब. क्या लगा हम क्लास वाला ज़ुएब थे? हाँ जी हाँ सर, कंटिन्यू करें. सवाल पूछने देना इसको सर. टेबल में वैल्यू की सिलेक्शन का, अच्छा मैं आखिर में दोबारा समझाता हूँ ठीक है, इसको आखिर में मैं दोबारा समझाता हूँ इसको सर. सारे सवाल में फिर आखिर में दोबारा समझाता हूँ. ये जो आखिरी जो स्टेप हम कर रहे हैं वो सिर्फ इसको वेरीफाई करने के लिए कि इसकी वैल्यू सही आ रही है हमारे पास. ठीक है ये अभी आप देख लेंगे जो सेक्शन हमने उठाया उसकी वैल्यू, उसकी जो पर्टिकुलर हमारे पास वैल्यूज आ रही है. एफ सी आर जो हमने कैलकुलेट किया इट इज 36.289 के एस आई. ठीक है 5 पी एन के जो हमारे पास फार्मूला है इट इज इक्वल टू 0.9 5 ठीक है इंटू एफ सी आर इंटू ए जी. ए जी यहाँ पे पूरा का पूरा लेना है क्योंकि कंप्रेशन में हमारे पास जो बोल्ट्स और नट्स वगैरह रिवेट्स वगैरह होते हैं तो वो भी कंप्रेशन एक्शन को फायदा पहुंचा रहे होते हैं. ठीक है वो भी यूज हो रहे थे कंप्रेशन एक्शन में, तो हम ए जी पूरा लेते हैं इस केस में. सो हमारे पास क्या इसकी वैल्यू है 470.620. इट इज नियरली ऑलमोस्ट इक्वल टू 471 जो कि हमने टेबल से पिक की थी. सो दिस वॉज द लेक्चर. अब मैं आपसे आपके सवाल लेता हूँ ठीक है. पहले ज़ुहैब का सवाल क्लियर कर दें. टेबल की वैल्यू अब देखें, जो डिजाइन से हमने वैल्यू लेनी है यहाँ पे डिजाइन कोड से वो इस तरह लेनी है. एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव लेंथ के एल विद रिस्पेक्ट टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन आर वाई. ठीक है अब लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन हम आर वाई, ये तो फॉर्चुनेटली हमारे पास इस केस में आर वाई ही आया. ठीक है आर वाई के अगेंस्ट था मतलब वाई डायरेक्शन में अगर हमारे पास के एल की वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है सो वी कैन कंसल्ट दिस टेबल. अगर नहीं आ रही तो फिर हम इसके साथ थोड़ा सा और प्ले करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वैल्यू हमने पिक करनी है. वो मैं आपको पेपर के बाद वाले वीक में जो हम एग्जांपल कराऊंगा उसमें हम देखेंगे. ठीक है यहाँ पे भी आते हैं, हमारे पास KL इन वाई डायरेक्शन जो आया था, KL इन वाई डायरेक्शन वो आया था 14 फीट. वो आया था 14 इक्वल टू 14 फीट. ठीक है so that is why I am taking it from 14. यहाँ पे मैं 14 से इसको पिक कर रहा हूँ. ठीक है अब यहाँ पे देखें कि कौन कौन से सेक्शन इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को, जो पी यू के स्ट्रेंथ था ना, पी यू का स्ट्रेंथ उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. 440 से ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी आ रही है, किस किस सेक्शन की आ रही है W10 में से?
W10 सेक्शन में से कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं वेट वाले कि उसकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा आ रही है। एक 54 पाउंड पर फिट, हाँ वो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ओके, वी कैन पिक दिस सेक्शन। अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं जाया करने के लिए तो आप ये सेक्शन बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे कम हैं और आपने इकॉनमी को भी मद्देनजर रखना है तो आप ऐसा सेक्शन उठाएंगे जो कि लोड भी उठा सके और वो इकॉनमी को भी मेंटेन कर सके हम लोग, ठीक है। तो हमने देखने क्या 45 स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है क्या ये पर्टिकुलर सेक्शन, यहाँ पे ये स्ट्रेंथ गिवन है उसकी, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है, इट्स लेस देन 440, तो ये हम नहीं उठा सकते। क्या 49 उसको सेटिस्फाई कर सकता है? यस, सेटिस्फाई कर सकता है। क्या 54 जो W10 क्रॉस 54 सेक्शन है क्या उसको, क्या वो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सकता है? यस, तो ये दो सेक्शन हम उठा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर कौन सा है हमारे पास? ये वाला, क्यों? बिकॉज इसका वेट कम है, इसका वेट कम है तो उस वो इकोनॉमी को भी सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ठीक है। जुहेब जी, अब क्लियर है सर? क्लियर हो गया, ठीक है जी सर। तो स्ट्रेंथ और इकोनॉमी दोनों को सेटिस्फाई कर ले तो हम वो वैल्यू हम लेंगे। हाँ, सबसे पहले आपने स्ट्रेंथ देखना है कि स्ट्रेंथ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर स्ट्रेंथ को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके बाद फिर आपने इकोनॉमी को देखना है, इकोनॉमी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। किसी और का सवाल? स्टेबल से सर हमने सिर्फ स्ट्रेंथ की वैल्यू उठानी है, स्ट्रेंथ की वैल्यू। हाँ फिलहाल देखे अभी स्ट्रेंथ की वैल्यू हमने उठाई, फिर इसको जब हम रीचेक कर रहे थे ना, रीएनालाइज करते वेरीफाई कर रहे थे दोबारा, तो फिर नीचे यहाँ पे इन चीजों की वैल्यू भी उठानी है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट जी सर, इस टाइम वो लेक्चर एंड हो गया था, इसकी जरा समझा दे सर, वो हमने थी उस पर मैं वो मीटिंग एंड हो गई थी। सही है, ये जो स्टेप्स है ना उसमें मैं दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ ना, उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फैक्टर लोड कैलकुलेट किए, ठीक है, PU 40, ठीक है, दिस इज द लोड जिसके लिए हमने डिजाइन करना है सेक्शन, या सेक्शन को हमने सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है, कोई भी सेक्शन सेलेक्ट करके सेटिस्फाई करवाना है। फिर इसके बाद हमने KLX KLY की वैल्यू, KLX का मतलब ये है कि x एक्सिस के अलोंग जो बाउंड्री कंडीशंस को देखते हुए KLX की वैल्यू आ रही है वो क्या है, और KLY की वैल्यू आ रही है वो क्या है। अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि KLX और KLY की वैल्यू जो है वो डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट थे, यहाँ पे पिन थे, और यहाँ पे पिन और फिक्स सपोर्ट इस सेगमेंट के लिए, ठीक है। तो फिर हमने उसमें से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पिक कर लिया, ठीक है, इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमने पिक की। अब आगे आगे जब हम गए तो हमने स्टेप थ्री में क्या किया, हमने सेक्शंस डिफरेंट ट्रायल सेक्शन सेलेक्ट किए, वो किस बेसिस पे किए, एक W14 में से उठाया, W14 का मतलब ये है कि 14 उसकी डेप्थ है, ठीक है, 14 इंच, 12 W12 में से उठाया, W10 में से उठाया, W8 में से एक एक सेक्शन, वो वाले सेक्शन उठाए जो कि स्ट्रेंथ को भी सेटिस्फाई कर रहे थे और इकोनॉमी को भी सेटिस्फाई कर रहे थे। अच्छा, अब ये तीन स्टेप्स हो गए, इसमें से स्टेप फोर जो था ना, हम वेरीफाई स्ट्रॉन्ग एक्सेस कैपेसिटी, हमने देखना था कि उसमें क्या करना, सिर्फ ये करना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग तो कैपेसिटी ज्यादा नहीं आ रही, वो हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि KLX की वैल्यू हमारे पास कम आ रही थी, तो अगर हम उसमें FE की इक्वेशन में अगर हम इसको पुट करते हैं, हमारे पास KL और R की वैल्यू नीचे आ रही थी यहाँ पे, ठीक है, जो जितना हम कम पुट करेंगे उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो
हमने कंजर्वेटिव वैल्यू लेनी होती है हमेशा, तो जो कंजर्वेटिव हम वैल्यू लेंगे वो ऑलरेडी इस केस में KLY के अगेंस्ट आ रही है, सो वी डोंट नॉट टू वरी ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे हमने वरी नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी KLY हमारा पास छोटा आ रहा है। अगर आगे हम जाके पढ़ेंगे KLX की वैल्यू अगर बड़ी आती तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। सो फिर हमने ये वाला सेक्शन सेलेक्ट किया। अब सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने क्या किया, इसको दोबारा रीचेक करना था कि क्या जो स्ट्रेंथ टेबल में गिवन है ये उतनी ही स्ट्रेंथ हमारे पास आ रही है उस सेक्शन की कि नहीं, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने ये पर्टिकुलर हमें KL और RX AG की वैल्यू चाहिए थी। AG की वैल्यू क्यों चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे आखिर में हमारे पास जो इक्वेशन आता है यहाँ पे AG की वैल्यू रिक्वायर्ड है, यहाँ पे FCR की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, KL और R की। अब R X और R Y हमारे पास कहाँ से आएंगे, ये पर्टिकुलर जो सेक्शन हमने जहाँ से सेलेक्ट किया ना वहां पे हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यूज पड़ी हुई है ऑलरेडी, ये नॉन है हमारे पास, हमने यहीं से उसको उठाना है, ठीक है। आर वाई, आर एक्स और आर वाई की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ से हमने वैल्यूज पिक की और अपने साथ नोट कर ली, ठीक है। अब हम जब एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले केएल और आर इन एक्स डायरेक्शन मालूम करेंगे, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। केएल और आर इन वाई डायरेक्शन मालूम करेंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा पिक करना है, सबसे बड़ी वैल्यू पिक करनी। अब बड़ी वैल्यू पिक की, उसके बाद एफ ई मालूम किया। एफ ई मालूम करने के बाद क्या किया, वो लिमिटिंग जो एक लिमिटिंग स्टेट हमने मालूम की, यहाँ पे इलास्टिक बकलिंग हो रही है और यहाँ पे इन इलास्टिक बकलिंग हो रही है, हमने ये चेक करना है कि इन इलास्टिक बकलिंग हो रही है या इलास्टिक बकलिंग हो रही है। उसके बेसिस पे हमने एफ सी आर का फार्मूला पिक करना है, फार्मूला वो पिक करना है जो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। सो सिंस केएल और आर की वैल्यू हमारे पास इस पर्टिकुलर वैल्यू से कम आ रही है, तो एफ सी आर का फार्मूला ये वाला यूज होगा, वरना कौन सा वाला यूज होगा, 0.878 वाला इंटू एफ एफ ई, हमने शुरू में एक फॉर्मूला पढ़ा है वो वाला यूज होगा। उसके बाद स्ट्रेंथ कैलकुलेट की, ये स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस आ रही है, ठीक है, सो इट्स ओके, ये डिजाइन हो गया। सो हमारा पास जो सेक्शन था जो हमने सेलेक्ट करना था वो ये वाला ही था, ठीक है, W10x49। बाकी सवाल किसी ने पूछने हो? सर मिड एग्जाम के बारे में कुछ बता दें। हाँ, मिड एग्जाम जो मीटिंग हुई है अथॉरिटीज की ऑफिस में, तो उन्होंने जो मिनट शीट्स मिनट्स रिलीज किए हैं उसमें बताया गया है कि जो कमिंग वीक है उसमें मिड एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। अब कैसे कंडक्ट होंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा, तो पेपर पैटर्न यह होगा कि मैं आपको पेपर दूंगा, उसमें जैसे कि यहाँ पे मैंने, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसके के इसमें क्या डिफरेंट होगा सबके लिए। यहाँ पे जैसे अभी देख, यहाँ पे लेंथ 21 है, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कि यहाँ पे जिसका जो रोल नंबर है ना वो लेंथ कंसिडर कर, ठीक है। सपोज यहाँ पे 21 है, तो अली रजा आपका रोल नंबर क्या है? 14, तो आप 14 कंसिडर करेंगे, ठीक है, लेंथ। फिर मैं यहाँ पे कहूंगा कि अच्छा यहाँ पे ये आपका आप 14 है, तो यहाँ पे 14 माइनस 3 कंसिडर कर दें और यहाँ पे बाकी उसके जो जितना बनता है वो कंसिडर कर दें। तो वो मैं आपको बताता हूँ, हर किसी का जो रोल नंबर होगा वो लेंथ लेगा उसमें से, ठीक है। और जो बाकी सवाल है वो मतलब उसके बाद हल करेगा, मेथड तो वही रहेगा। तो ये होगा कि कम से कम थोड़ा बहुत जहन इस्तेमाल करना पड़ेगा आप लोगों को। जी, हल किस चीज पर करेगा, अपने साथ पेपर पे आप इसको हल करेंगे और उस पेपर की आप
कैम स्कैनर से तस्वीरें खींचेंगे और पीडीएफ बना के आप मुझे भेजेंगे ग्रुप में। ओके सर। इसके मखसूस टाइम होगा सर या मतलब एक दिन होगा पास? फिलहाल तो मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा अगर इस पे कोई अपडेट आती है, लेकिन 3 घंटे का टाइम होगा आई गेस आपके पास। सवाल सर ये तो मिटा पेपर है जी सर, यूनिवर्सिटी वाले मुश्किलें बढ़ा रहे हैं हमारी। अब क्या कर सकते हैं इसमें सर, ये काफी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा बाकी कोई सवाल हो तो पूछ लें लेक्चर से रिलेटेड। ये मिड का एग्जाम कब होगा? नेक्स्ट वीक। सर तो फिर लैब्स का क्या बनेगा, प्रैक्टिकल जो है लैब्स का होगा या सिर्फ? नहीं सिर्फ थ्योरी का, लैब्स तो स्टील स्ट्रक्चर की लैब्स पढ़ रहे हैं आप लोग? नो सर। नहीं लैब्स किसी की भी नहीं पढ़ रहे। जी सर। कब पढ़ रहे? अभी ऑनलाइन तो नहीं पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे थे सर। वाह पहले तो नहीं था सर। नहीं फिर उसके एग्जाम्स भी नहीं होंगे। ठीक है, जिस जो पढ़ रहे हैं उसके ठीक है। ठीक है सर। और कोई सवाल? नो सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। नेक्स्ट वीक फिर मैं आपको पेपर दे दूंगा। Thank you.